आप अपनी सफलता के सिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना संघर्ष करके मार्केट के अंदर चाय बनाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि कम से कम मैं इस चाय के स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन जी सकूं। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कि जब देश का प्रधानमंत्री अगर बचपन में चाय बनाता था, चाय बनाते बनाते हम एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो मैंने उनसे प्रेरणा ली और चाय बनाते बनाते स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैं एक शिक्षक के रूप में मुझे सफलता मिली है। चेतन सिंह के परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले मेरा परिचय दे दूँ। मैं नारायण सिंह शेखावत ग्राम पंचायत मिंडा से सरपंच प्रतिनिधि हूँ और मेरे गांव के चेतन सिंह सनोज महेंद्र सिंह द्वारा अभी भी जो उनका चयन शिक्षा विभाग में हुआ है, उस परिवार ने आज तक अपनी दयनीय स्थिति में रहते हुए चेतन सिंह द्वारा कड़ी मेहनत करके और मेहनत के साथ में पढ़ाई करके जो गांव का नाम रोशन किया है, उसके लिए चेतन सिंह को बधाई है कि उन्होंने मिंडा गांव को नाम रोशन किया। उसका परिवार गरीब परिवार था। महेंद्र सिंह जी भी पहले चाय की दुकान करते थे, वो दुकान उनकी छूटी, उसके बाद में पाटनी जी की दुकान के सामने वो ठेला लगाते थे और अभी भी वहाँ पे वर्तमान में उनका ठेला है। एक मोदी को अपना आदर्श मानते हुए चेतन ने जो दोपहर बाद सुबह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता था, दिन भर रात को पढ़ाई करता था और दोपहर बाद में वो चाय की दुकान पे अपने पिताजी को चाय बनाने में और चाय पकड़ाने में लोगों को हेल्प करता था और पिताजी के साथ में अपने आजीविका को चलाते हुए उसने जो मुकाम हासिल किया है और मेहनत को ये कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाय की दुकान से प्रधानमंत्री के पोस्ट पे पहुँचे, उसी तरह ये हमारे गांव के होनहार बच्चे चेतन सिंह चाय की दुकान पे चाय बेचते हुए एक शिक्षा विभाग में मास्टर के ऊपर पहुँचे। चेतन सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गोवर्धन पाटनी है। चेतन सिंह हमारे पड़ोसी है और उनके पिताजी महेंद्र सिंह जी, उनकी हालत बहुत दयनीय स्थिति में थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। चेतन सिंह थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद में वो आज घर पे हमारी दुकान के सामने उनको ठेला लगाने के लिए, चाय का ठेला लगाने के लिए हमने मजबूर किया और वो ठेला लगाता लगाता चेतन सिंह वहीं पढ़ाई करता था, चाय भी पकड़ाता था और उसकी फैमिली भी बड़ी है। चार बहनें हैं, एक भाई है और खुद की शादी हो गई उनकी, उनकी भी एक लड़की है और आज उन्होंने इस स्थिति में जाके पढ़ाई करते करते यहीं दुकान के ऊपर ठेले पे पढ़ाई करते करते आज वो सेकंड ग्रेड के टीचर बने हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। हमको क्या, हमारे पूरे परिवार को, हमारे मोहल्ले को, पूरे गांव को इसी चीज़ की खुशी है कि चेतन सिंह आज मास्टर बना है और इस ये परिवार का एक मुख्य वो बनेगा। चेतन सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मिंडा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और समाज से भी हूँ। चेतन सिंह एक बहुत ही गरीब परिवार से है। इसके पिताजी करीब 20-25 साल से चाय बना रहे हैं। चेतन सिंह खुद चाय के ठेले पे चाय बनाता था और ये बड़ी खुशी की बात है और एक सौभाग्य की बात है कि गरीब परिवार का बच्चा चाय बना के और सर्विस लगी है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी।